श्रीरामपुर की, जहां करीब 85 मुकदमों में नामजद आरोपी होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। शुक्रवार को वो एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। जी हां, रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए शुक्रवार को आयोजित जलसे को संबोधित करते हुए आजम खान ने शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा की जीत हुई है। रामपुर किले के मैदान में जनता का शुक्रिया करते हुए आजम खान ने कहा कि जुल्म और जालिम का अरमान पूरा नहीं हुआ, जुल्म की इतनी बड़ी शिकस्त हुई है जो खुद में एक तारीखी इतिहास है। उन्होंने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से बड़े से लेकर छोटे शख्स ने, वर्दी से लेकर बगैर वर्दी वाले ने आपके घरों के दरवाजे तोड़े हैं, आपको ठोकरों से मारा है, लाठी डंडों से मारा है, औरतों की उंगलियां तोड़ी हैं और बीमारों को खदेड़ा है, और जिस कदर कमजोर लाचार लोगों को जितना जलील रुस्वा और बर्बाद किया जा सकता था इस सीट को हराने के लिए किया, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का सवाल था। आजम खान ने कहा कि यह उन लोगों की इज्जत का सवाल था। सुबह 7 बजे जिस तरह से फौजी काफिला गांव के वोटिंग बूथ पर टूट पड़ा, समर्थकों को उठा लिया गया, कौन इलेक्शन लड़ा था, कोई भागा हुआ है, कोई जेल में है, कोई थाने में बंद है, जुल्म की ऐसी तारीख लिखी गई है कि शायद नाजियों ने यहूदियों के साथ नहीं, ऐसा नहीं किया होगा जो तुमने हमारे साथ किया है। तुम्हें मुबारकबाद इस खुशी के लिए, मौके पर तुम्हें मुबारकबाद। आजम खान ने चुनावी दौर में प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बूथ लूटने वालों, वर्दी वालों ने 30,000 वोट लूटा है। शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक तमाम बूथों पर कब्जा हो चुका था। हमारे चुनाव लड़ाने वाले थानों में बंद थे, तुम्हारे बस्ते फाड़ दिए गए, फेंक दिए गए बस्ते, और तुम्हारे साथ जो शर्मनाक सलूक हुआ है, आजम खान ने कहा, और क्या जुल्म करोगे, कौन सा सितम ढाओगे, मगर कल भी तुम्हारे नसीब में शिकस्त लिखी हुई थी और आज भी तुम्हारे नसीब में शिकस्त लिखी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में आजम खान ने रामपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी। लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद आजम खान को रामपुर विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद बीते 21 अक्टूबर को यहाँ वोट डाले गए थे। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, जो यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं। जिस पर भैंस चोरी का इल्जाम लगाया, ये प्रोफेसर थी, अरे चुल्लू भर बेहयाई के पानी में मर जाओ, डूब कर बेघर को मुर्गी चोर बकरी चोर बताना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये कहा था, जिन्होंने ये कहा था 15 वर्ष तक समाजवादी की सरकार नहीं आने वाली है। हरियाणा का अंजाम, महाराष्ट्र का अंजाम और गिरती हुई वोटों की तादाद भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने के लिए काफी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के मामले पर आज नहीं 40 साल पहले कहा था कि आपस में पसंद मत करो, आपस में दस्तों देने में मत हो, एक दूसरे की बस्ती मत जलाओ, एक दूसरे की जान मत लो, क्योंकि तू भाई भाई हो, अब सरहदें बचने वाली नहीं है। एक ही बात, एक ही अदालत का फैसला, उसका इंतजार करो कि 40 साल पहले हमने कहा राम जानकी रचना, जो हुआ पूरे मुल्क में देखा, राम जानकी रचनाने वाले का जो अंजाम हुआ वो भी आपके सामने है।
हिंदुस्तान में ये बाकी है, कमजोरों को उम्मीद की किरण बाकी है और इंशाल्लाह ये किरण, ये दिया, ये चिराग हिंदुस्तान के तमाम खामोश चिरागों को रोशन करेगा इंशाल्लाह। किताब चोर, पेड़ चोर, जिस पर भैंस चोरी का इल्जाम लगाया ये प्रोफेसर थी, अरे चुल्लू भर में हयाई के पानी में मर जाओ डूब कर बेदर को, मुर्गी चोर, बकरी चोर, JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।